8 नवंबर को झरिया के बिहार बिल्डिंग के समीप बिजली के तार के चपेट में आ जाने के कारण 5 लोग बुरी तरह झुलस गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार 14 नवंबर 2021 को सानवी उम्र 14 वर्ष इलाज के दौरान दोनों ही हाथों को ऑपरेशन कर काटना पड़ा था, लेकिन छोटी सी बच्ची सानवी ये दर्द झेल ना सकी और इलाज के दौरान उसने अपने प्राण त्याग दिए। सानवी की मौत की खबर से पूरा झरिया कोयलांचल में मायूसी सी छा गई। बुधवार को संध्या 5 बजे मेन रोड स्थित देशबंधु सिनेमा हॉल के समीप सानवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झरिया के स्थानीय समाजसेवी युवाओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लिए पदयात्रा भी निकाली और बिजली विभाग को खूब कोसा। कई समाजसेवी स्थानीय नेताओं, समाजसेवी युवाओं एवं आम नागरिकों ने सानवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और एक स्वर में बिजली विभाग के अधिकारियों से इस हृदय विदारक घटना के चपेट में आए लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांगें की, ताकि रांची अस्पताल में इलाजरत केसरी परिवार के लोगों समुचित इलाज हो सके। वहीं मौजूद लोगों ने इस निर्मम घटना को लेकर काफ़ी भर्त्सना करते हुए अविलंब त्वरित कार्रवाई करने की मांग की, ताकि इस दुख की घड़ी में किसी परिवार का आर्थिक सहयोग हो सके। मौके पर मुख्य रूप से राजकुमार अग्रवाल, सतीश गुप्ता, अरिंदम बैनर्जी, राजमली मालाकार, संतोष साहू, पिंकी साहू, सिद्धार्थ केसरी, जयंत अग्रवाल, सुनील तुलसियान, मिंकी अग्रवाल समेत झरिया के कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। हमारे झरिया में जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक ही परिवार के हैं, आज बेटी गई है, यह सिर्फ केसरी परिवार की बेटी नहीं, हम सबों की बेटी है। और इनमें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके परिवार को हम लोग आर्थिक सहायता करें, आर्थिक मदद करें और सत्ता पक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं, बिजली विभाग से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ आर्थिक मदद हम लोग को किया जाए, ताकि परिवार अच्छे से चले, उनका इलाज अच्छे से हो सके, यही हमारी श्रद्धांजलि होगी और हम लोग परिवार के साथ। ये जो केसरी परिवार के साथ जो घटना घटी है, बहुत ही दुखदायी घटना है और हम लोग सभी लोग केसरी परिवार के साथ हैं। यहाँ पे सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट नजर आ रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक उस परिवार के साथ कोई हमदर्दी नहीं, कोई सहायता नहीं, जिसके चलते उस परिवार को बहुत ही आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है एवं उसके अभी भी परिवार के 3 सदस्य अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसको बहुत जल्द से जल्द उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। हम अपने जनप्रतिनिधि और सरकार से ये अपील करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको आर्थिक सहायता दिया जाए। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको बताइए। उसी घटनाक्रम में एक बच्ची का देहांत परसों हो गया है, हम लोग उसी के श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले तो मेरी भांजी सानवी रानी का देहांत परसों हो गया, दुखद और चीख के साथ हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण में था। इसके सामने बाहर में बैठा हुआ एक चीख को सुन रहा था, बिजली विभाग के उस प्रबंधन के पास नहीं है, इसने नरसंहार को अंजाम दिया। बिजली विभाग के प्रबंधन को सोचना चाहिए कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र धनबाद, जो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में आता है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में ग्रेडलिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी भी हमारे सर के ऊपर जो वायर जा रहा है, इसमें ग्रेडल वायर नहीं लगा हुआ है, ना ही इसमें इंसुलेटेड पाइप की व्यवस्था है। PLR अर्थ लीकेज डीले जो होती है, अर्थ लीकेज डीले जो ट्रिपिंग कराती है, कोई भी वायर को अगर ग्राउंड से टच होने पे ट्रिपिंग कराती है, वो भी उस समय, उस दुर्घटना के समय कार्य नहीं किया। और भी बहुत सारी सुरक्षा के नियम जो बिजली विभाग को देखना चाहिए था, सारे नाकाम रहे, इसका परिणाम हमारे परिवार की, मेरी भांजी का देहांत परसों हुआ और 3 परिवार के और सदस्य ICU में जूझ रहे हैं, हिम्मत रख से काम करके लड़ रहे हैं। और
इकट्ठे सभी सदस्यों, भाइयों और घरिया निवासियों को धन्यवाद देना चाहिए।